पश्मीना नेचुरली। पीएनजी ज्वेलर्स। 2 जनवरी 1954 को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न व दूसरे उच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत हुई। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत रत्न किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। वहीं पद्म विभूषण देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान देने के लिए दिया जाता है। शुरुआत में इसे पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग में बांटा गया था, लेकिन साल 1955 के बाद से इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कर दिया गया। सबसे पहला भारत रत्न स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। प्योर पश्मीना नेचुरली। 2 जनवरी 1991 को जम्मू कश्मीर में JKLF के आतंकियों ने कश्मीरी पंडित ASI ओंकारनाथ को अगवा कर लिया था। दरअसल 14 सितंबर 1989 में टीकालाल टपलू की हत्या के बाद अगले एक वर्ष में कश्मीर घाटी से लाखों कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ था। राज्य में फारूक अब्दुल्ला की सरकार पूरी तरह से हिंदुओं को संरक्षण देने में नाकाम रही थी, लेकिन कुछ हिंदू परिवार तमाम दबावों के बावजूद भी आतंकियों के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। ASI ओंकारनाथ ऐसे ही लोगों में से एक थे। आतंकी संगठन लगातार उनको निशाना बनाने की फिराक में थे, जिसके बाद 2 जनवरी 1991 के दिन JKLF के आतंकियों ने ASI ओंकारनाथ को अगवा कर लिया, जिसके बाद ओंकारनाथ का कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा माना जाता है कि आतंकियों ने ओंकारनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। PNG ज्वेलर्स। 2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट में स्थित एयरफोर्स बेस पर आतंकियों ने हमला किया था। 2 जनवरी 2016 की सुबह 3:30 बजे आतंकी हथियारों के साथ एयरबेस स्टेशन में दाखिल हुए थे। इस हमले में एयरबेस के अंदर 7 सुरक्षा कर्मियों ने बलिदान दिया था, जबकि करीब 37 अन्य लोग घायल हुए थे। हमला करने वाले सभी आतंकियों को सेना ने मार गिराया था। जैशे मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर और उसके भाई राउफ के इशारे पर यह हमला किया गया था। इस हमले का मास्टरमाइंड आतंकी शाहिद लतीफ था। बता दें कि मसूद अजहर वही आतंकी है जिसे 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक केस में भारतीयों की रिहाई के बदले छोड़ा गया था। 11 अक्टूबर 2023 में अज्ञात हमलावरों ने शाहिद लतीफ को पाकिस्तान के पंजाब में मार गिराया था। इस हमले में लतीफ के 2 साथियों की भी मौत हुई थी। 2 जनवरी 2024 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष का दूसरा दिन है। आज मंगलवार का दिन है। वहीं वर्ष 2024 लीप ईयर है। लीप ईयर वह साल होता है जिसमें 365 की जगह 366 दिन होते हैं। लीप ईयर में फरवरी में एक अतिरिक्त दिन होता है जिसे लीप डे कहते हैं। इस तरह फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं।